और बीच आपको बता दें, लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं बिहार से, बिहार के अलग अलग जगहों पर। और ये विरोध प्रदर्शन अग्निपथ योजना को लेकर, क्योंकि इसमें 4 साल तक नौकरी में रखने की बात कही जा रही है और उसके बाद 25% ही जिनकी नौकरी आगे चलेगी, 75% लोग ऐसे हो जाएंगे जिनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। और इसीलिए ये नौजवान सवाल पूछ रहे हैं कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। बिहार के कैमूर में देखिए, अब ये प्रदर्शन जो है ये उग्र होता हुआ चला जा रहा है। ट्रेन की बोगी के अंदर आग लगा दी गई है, ट्रेनों पहले रोका गया, सड़कों पर आगजनी हुई, टायर में आग लगाया गया है। तो बिहार के कैमूर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रेन में आग लगाते हुए ये नौजवान युवा और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सेना की नई भर्ती स्कीम के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आती हुई दिख रही है और ये तस्वीर सिर्फ बिहार से ही नजर नहीं आ रही है, ये तस्वीर गुरुग्राम से भी नजर आनी शुरू हो गई। जयपुर में भी इसी तरह विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ से जरूर कहा गया है कि इनको वरीयता दी जाएगी सरकारी नौकरियों में, लेकिन बावजूद इसके ऐसे किसी भी आश्वासन पर अभी भरोसा कर नहीं रहे ये नौजवान। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बोगी के अंदर आग लगाई गई है। ये पुलिस कर्मी आपको दिख रहे होंगे, ये आग बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इससे पहले बक्सर, मुजफ्फरपुर, गया में भी विरोध हुआ था। सेना में 4 साल की भर्ती वाली स्कीम से नाराज युवाओं ने कल पत्थरबाजी भी की थी। लगातार ये प्रदर्शन उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें मिल रही है। रेलवे ट्रैक पर भी देखिए किस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर युवा करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। स्कीम को लेकर के कई राजनीतिक दल भी सवाल उठा रहे हैं, युवाओं के मन में कई तरह के प्रश्न हैं। तो कई डिफेंस एक्सपर्ट्स भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेहमान सैनिकों के दम पर जंग नहीं जीती जाती।